दोस्तों, अगर आपके पास फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है और आप उस कार्ड को ब्लॉक करना चाहते हैं, आपका कार्ड खो गया या फिर आप किसी अदर रीज़न की वजह से उस कार्ड को ब्लॉक करना चाहते हैं, तो किस तरह से आप उस कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है अकाउंट, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर आप एंटर करेंगे। ओटीपी एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी आपके कार्ड की टोटल लिमिट है और जो आपने लिमिट यूज़ की, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इस कार्ड को हमें ब्लॉक करना है, तो ब्लॉक करने के लिए यहाँ पर आपको सबसे नीचे सेटिंग का एक आइकन दिखता है, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे नीचे एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है ब्लॉक योर कार्ड, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं। मुझे अपने कार्ड को ब्लॉक नहीं करना है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ब्लॉक करके नहीं दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने फ्लिपकार्ट के एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।